We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. आस्था के चलते दहकते अंगारे भी फूल बन गए। सागर जिले के देवरी में सोमवार को श्री देव खंडेराव मेले में कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर दहकते अंगारों के ऊपर दौड़ पड़े। यहाँ मौजूद लोग खंडेराव भगवान के जयकारे लगा रहे थे। श्री देव खंडेराव जी के इस मेले में कई शहरों व ग्रामीण अंचलों से लोग पहुँचते हैं। देवरी कला में स्थित यह प्राचीन भव्य एवं ऐतिहासिक अलौकिक मंदिर है। यहाँ हर साल अगहन शुक्ल में चंपा छठ से पूर्णिमा तक दिसंबर महीने में मेला लगता है। देवरी नगर में श्री खंडेराव जी का भव्य मेला, जहाँ मनोकामना पूर्ण होने पर आग के अंगारों पर से श्रद्धालु निकलते हैं। यहाँ के पुजारी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि कई सालों से दिसंबर में यह मेला लगता है। मान्यताएं सारे लोग निकलते हैं, सैकड़ों लोग निकलते हैं, और मुझे तो करीब 31 वर्ष खंडेराव जी के प्रांगण में अंगारों पर से निकलते हुए हो गए। और सबसे पहले जब मैं निकला था तो मैंने जो मान्यता मांगी निश्चित रूप से पूरी हुई। उसके बाद से लगातार ये अंगारों पर से निकलने का हमारा क्रम जारी है। मैं भी निकला, मेरी पत्नी भी निकली, मेरे भाई लोग भी निकले, परिवार के बहुत सारे सदस्य भी हमारे यहाँ निकले। और एक बात है, ये एक ऐसा मेला है, इतना अद्भुत है कि यहाँ मुझे लगता है कि सारे धर्म और जातियों के लोग, हर संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ आता है और पूरे देश के कोने कोने से आते हैं। ये अकेले हमारे सागर जिले देवरी के लोग नहीं निकलते, इसमें सबसे ज़्यादा 80% लोग तो कहाँ से हैं, हमारे मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, गुजरात के लोग आते हैं, कई प्रांतों के लोग आते हैं और सारे लोग अपनी मान्यताओं को मानते हैं। आप किन मनोकामनाओं को लेकर ऐसे अंगारों पर से निकलते हैं? कुछ व्यक्तिगत मान्यताएं भी होती हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन सबसे हटके भी हमारे देवरी विधानसभा क्षेत्र की, पूरी जिले की, प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए हम दुआ करते हैं। लगातार पांचवी बार मैं यहाँ से निकली हूँ और ये हमारे देवरी क्षेत्र का एक प्राचीन प्रसिद्ध जो मेला लगता है यहाँ देव खंडेराव जी का, आज वहाँ से मान्यता है कि लोग अपनी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ से निकलते हैं। 101 आहार खोदे गए हैं, कुल 101 आहार निकाले। प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग आपको? प्रशासन का इस वर्ष बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ, हम उनका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। समस्त विभागों ने इस वर्ष हमें पूरा सहयोग दिया है। कोरोना काल को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? मंदिर की तरफ से प्रत्येक निकलने वालों को मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए जो भी रहता है वो सब व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई और 5-5 आदमियों के द्वारा पूजन कराई गई है। प्रत्येक एक परात में, कोपर में शंकर जी की पिंडी रख के उनकी पूजन कराई गई, जिसमें कि सामाजिक दूरी बनी रहे, मास्क सबको लगाए गए हैं। इस प्रकार ये कार्यक्रम आज जो है मंदिर प्रशासन के द्वारा दुकानें भी लगवाई जाती थी, इस बार नहीं लगवाई गई, तो क्या नुकसान हुआ समिति को? कुछ नुकसान नहीं, समिति को ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ जी। समिति को उनके द्वारा जो थोड़ा बहुत सहयोग किया जाता था जी, वो नहीं हुआ, इसका हमें कोई खेद नहीं है जी। आपका शुभ नाम? नारायण मल्लार हुई थी, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ और पुजारी भी हूँ। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। वी नर्चर विद केयर, डेवलपिंग द विजन एंड डिटरमिनेशन। वी शेप द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वी आर ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल।